नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के आईपीएस स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों ने माँ सरस्वती एवं भारत माता के छायाचित्र पर फूल माता अर्पित कर आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत वंदना किया। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए अनेकों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देख दर्शक एवं बच्चों के अभिभावक मग्न मुद्र हो गए। वहीं आईपीएस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती आरजू खान ने बताया कि हम बच्चों को कई ऐसी विद्या दे रहे हैं जिसकी वर्तमान और भविष्य के समय बहुत आवश्यकता है। बच्चे अपडेट रह सकें और अपना सुनहरा एवं सुरक्षित भविष्य बना सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोग बच्चों वहां पे कुछ शिफ्ट हो जाओ, कुछ यहाँ पे अजवाइन के पीछे। ग्रुप फोटो इन बच्चों की ले ली जाए। मैं आप सबसे इस फंक्शन से जो लोग आए हैं उन सबको इस फंक्शन की जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो जो देने वाले हैं और सुनने वाले हैं सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। उन बच्चों के लिए भी एक मुबारक घड़ी भी होगी और उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय भी होगा जहां पर वो अपने आप को बेहतरी से आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। हम वो तमाम पालक जो यहाँ बैठे हुए हैं, जब हमारे बच्चे यहाँ पे अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो और ज्यादा अपने जीवन में कामयाब हों और अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारें। मैं यहाँ इस मौके पर सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप तमाम सारे लोगों को जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिनके बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी को इस बात के लिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए आपने किसी संस्थान का चुनाव किया। आज हमारा आईपीएस का थर्ड एनुअल फंक्शन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है
यहाँ हमारे बच्चों ने डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस दिए हैं, डांस परफॉर्मेंस है, कल्चरल परफॉर्मेंस है, फैंसी ड्रेस था, हम लोगों ने एक रॉक बैंड भी हायर किया था इसके लिए, तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, सबको काफी पसंद आया है और बस ऐसे सहयोग रहेगा सबका, तो आगे भी ऐसे प्रोग्राम होंगे। एनुअल फंक्शन हो रहा है तो यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको डेवलप करने में ज़्यादा सहयोग किया जा रहा है। एनुअल अगर साल भर में अगर होते हैं तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और बच्चे आगे अपने फील्ड प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये IPS में बहुत अच्छा प्रयास करता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, समाज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए शायद हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ के एफर्ट नाकाफी हैं, वो इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये IPS स्कूल से हम इस तरह की उम्मीद करते हैं, जिस तरह के नए कोर्सेज, नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मददगार होगा और ये बच्चे दुनिया में कम्पीट कर सकेंगे। बच्चे को आजीविका मिल जाना, रोजगार मिल जाना एक बात है, परंतु अपना किसी मकाम पे वो आला दर्जे पे पहुंचे, ऊंचाई को हासिल करें, इसके लिए IPS जैसे इंस्टीट्यूट उमरिया जैसी छोटी जगह में अपना जद्दोजहद के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। आज वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ IPS स्कूल में, मुझे भी यहाँ बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, मैं भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला। बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया हर फील्ड में, और निश्चित रूप से ये अपनी IPS स्कूल काफ़ी ऊंचाई पे है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काफ़ी ऊंचाई हासिल करेंगे। पेशर उमरिया से शंकर सिंह चंदल की खास रिपोर्ट।